नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। रायबरेली सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसमान छू रहे प्याज के भाव को लेकर प्रदर्शन किया और प्याज की माला पहनकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित। एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आप खुद देखिए किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता प्याज की माला पहनकर महंगाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसियों की माने तो सरकार महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, अगर जल्दी महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर बड़ा प्रदर्शन करेगी। मैं महिला जिला अध्यक्ष शैलजा सिंह एडवोकेट, कांग्रेस पार्टी रायबरेली। इस मामले को लेकर ज्ञापन सामने आए थे। हम लोग प्याज के दाम कम करने के लिए राज्यपाल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। क्योंकि देखिए प्याज और लहसुन के दाम बहुत महंगे इन्होंने कर दिए हैं। हर गरीब व्यक्ति, प्याज ऐसी चीज है गरीब व्यक्ति से लेकर बड़ा आदमी तक खाता है, और रायबरेली की महिलाएं, जनता, देश की जनता परेशान हो गई है। आप 150 में लहसुन को कर रहे हैं, 80 रुपए में प्याज कर रहे हैं, तो कैसे चूल्हा जलेगा लोगों। तो रायबरेली की घर घर से आज महिलाएं निकली हैं और तिलक भवन हम लोग साथ इकट्ठा हुई हैं, और हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्री तक आए हैं, वहाँ हॉस्पिटल चौराहे से लेके कचहरी होते हुए आए हैं, और ये हम लोग का निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। अगर प्याज के दाम जनता के कम नहीं करती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना देंगे, भूखे प्यासे तक सड़क पे पड़े रहेंगे जब तक प्याज के दाम कम नहीं होंगे। क्योंकि ये ऐसी वस्तु है जिसके बिना हम महिलाओं का चूल्हा ही नहीं जल सकता है। प्याज एक ऐसी जो घर का चूल्हे से, आप बता रही महिलाएं हैं आप, वो राजनीति में तख्ता पलट देता है, क्या है? देखिए ये आप जो कह रहे तख्ता पलट देता है, तख्ता तो हम लोग पलट के उनका दिखाएंगे। तख्ता क्या, सच्चाई की जीत होगी। यहाँ जमनानत परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, बेरोजगार परेशान है, कौन नहीं परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा में। तो तख्ता तो उनके आप उनका पलटेगा। हम लोग 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे, आप देखेंगे। महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, इस पर महिलाओं का क्या? महिलाएं खुश हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सरकार बनाएंगे। हम महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ी है और हम लोगों का जो जज्बा और बढ़ रहा है। चूँकि उत्तर प्रदेश में, देश में इस समय महंगाई चरम पर है, हमारा गरीब परिवार, हमारा गरीब जन, मजदूर भाई अपने खाने के लिए अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं महंगाई की वजह से। उसी को हम लोग मांग करने के लिए यहाँ पर तिलक भवन में इकट्ठा हुए हैं और राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है, हम लोग तिलक भवन से चले हैं, अस्पताल चौराहा होते हुए, बाज़ारों से होते हुए यहाँ पर आए हैं और ये संघर्ष करते हुए, ये कहते हुए आए हैं कि महंगाई का दाम कम करो। अगर महंगाई के दाम कम नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और इस भाजपा की सरकार, ये मोदी की सरकार, योगी की सरकार का हम सब लोग मिल के विरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि अगली सरकार कांग्रेस की हो।